अभ्यास 17A जो है इसको करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो दिया हुआ है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर चित्र बना हुआ है, एकदम शांत रहो। यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। बुक सबके पास है, सामने है, और यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, बना हुआ है, उसी से देख करके आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो अभ्यास 17A का जो ग्राफ बना हुआ है उसमें फिल इन द ब्लैंक सबसे पहले दिया हुआ है। अब ये जो चित्र दिख रहा है, yes, ma'am, इसमें भी तो दिखा दें, ठीक है। तो इस बुक में यहाँ के ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो हम लोग सबसे पहले करेंगे। अब यहाँ पर चलो चित्र ध्यान से देखना और आप लोग ही आंसर बताएंगे। बिंदु M एक्स अक्ष की ब्लैंक दिशा में अंकित है। अब यहाँ पर देखो बिंदु M जो है, M बिंदु आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसको इसमें बना दिया जाए तो क्या दिक्कत है, बना के देखते हैं। ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ठीक है। यहाँ पर दिया है एम 3 से -2, 3 और -2, यानी यहाँ समझ लो बिंदु है आपका 3 और -2, यहाँ है ना। यहाँ पे बिंदु क्या है आपका M, जो ग्राफ बना है उसमें बना हुआ है। एक क्या दिया है -2 और -3, -2 और -3, बिंदु आपको यहाँ दिया हुआ है, ये बिंदु M है। फिर क्या है -4 और 4, है ना, 4 और ये हो गया आपका 4। ये बिंदु कौन सा दिया है, T, ठीक है। बस इतना ही बना है ना ग्राफ में, ये y है और ये y डैश है। अब यहाँ पर देखो, अब इसमें दिए फिल इन द ब्लैंक्स जो है आपको भरना है। M एक्स एक्स की दिशा में अंकित है, अब एक्स एक्स ये है और बिंदु M है ये है, तो ये कौन सी दिशा है इसकी, धनात्मक है कि ऋणात्मक। पहले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, ऋणात्मक दिशा में अंकित है। फिर बिंदु M से y अक्ष पर लंबपाद की मूल बिंदु से दूरी इकाई है। तो यहाँ पर सेकंड नंबर देखो, बिंदु M से y अक्ष पर, ठीक, बिंदु M से, ये बिंदु M है, y अक्ष पर जो है लंबपाद की मूल बिंदु से दूरी कितने इकाई है, देखो कितने इकाई है, 3। यहाँ देखो, यहाँ से जो है मूल बिंदु से जो है y अक्ष पर जो है ये कितनी जो है इकाई दी हुई है, 3। फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट, बिंदु N y अक्ष की, नहीं तीसरा जो है, बिंदु N y अक्ष की दिशा में अंकित है, बिंदु N। अब यहाँ N देखो y अक्ष की, y अक्ष मतलब ये वाला अक्ष है ना, इसकी कौन सी दिशा में अंकित है, तो y अक्ष की ऋणात्मक, नीचे से आता ना, तो y अक्ष की कौन सी दिशा है, ऋणात्मक दिशा में अंकित है। ये कौन सी दिशा हो गई बिंदु N की, ऋणात्मक y अक्ष के सापेक्ष, और बिंदु N से y अक्ष पर लंबपाद की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु N से y अक्ष पर, बिंदु N से y अक्ष पर लंबपाद की जो है दूरी, मूल बिंदु से दूरी कितनी इकाई है, माइनस में आएगा -2, ठीक है। ये यहाँ पर जो है कितनी इकाई है, तो यहाँ -2, ठीक। इसके बाद जो है दूरी को वैसे धनात्मक भी चाहे तो आप लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि उसको ऋणात्मक लगाएं ना, क्योंकि दूरी पूछा गया है तो दो इकाई भी लिख सकते हैं। वो वैसे ही पता चल रहा है कि ऋणात्मक दिशा में अंकित है, तो उसका मतलब है कि वो ऋणात्मक ही होगा। फिर चौथा है बिंदु टी चतुर्थांश में अंकित है। बिंदु टी बताओ कौन सा चतुर्थांश में अंकित है, ये प्रथम चतुर्थांश है, द्वितीय है, तृतीय है, और ये चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश में अंकित है। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आके क्या लिखेंगे, बिंदु टी चतुर्थ चतुर्थांश में अंकित है। फिर पांचवा दिया है, बिंदु टी से एक्स अक्ष पर लंबपाद की मूल बिंदु से दूरी इकाई है, बिंदु टी से एक्स अक्ष पर लंबपाद, ठीक है। बिंदु टी से एक्स अक्ष पर, ये लंबपाद मतलब ये हो गया, और ये जो है मूल बिंदु से दूरी जो है कितनी इकाई है, 4। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में 4 आ जाएगा, ठीक है। सबको yes, कर लिया सबने फिल इन द ब्लैंक्स।
अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको एक और बना हुआ है और चित्र देखकर जो है वो आपको जो है इसमें भरना है। एक मिनट शांत रहिए। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका ये, इसमें देखिए इस तरह का ये जो है ये बना हुआ है और इसको जो है देख करके जो है आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इसको जो है चित्र देखकर आप लोग फटाफट बताइए। बिंदु पी जो है कहाँ गया? बिंदु पी का भुज और कोटि है, अतः पी के निर्देशांक कितने हैं? पी की ओर ध्यान दीजिए। पी के भुज और कोटि क्या होंगे? एक्स की वैल्यू पहले लिखी जाएगी तो 2, a। तो यहाँ पर भुज क्या हो जाएगा? 2। कोटि कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 2, a। फिर उसके बाद दूसरा दिया हुआ है बिंदु Q का भुज और कोट इतना है, Q के निर्देशांक। Q की ओर ध्यान दीजिए, X का मान पहले लिखा जाएगा तो -3 और Y की वैल्यू क्या है? 2। तो यहाँ Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? -3 और 2 हो जाएंगे। ठीक है, भुज क्या हो जाएगा? -3, कोट क्या हो जाएगा? 2। इसके बाद फिर तीसरा है बिंदु R का X निर्देशांक ब्लैंक और Y निर्देशांक कितना है? बिंदु R, हाँ, तो यहाँ दोनों जो है X निर्देशांक क्या है? ऋणात्मक है और Y निर्देशांक जो है भी ऋणात्मक है। तो यहाँ पर X की वैल्यू क्या है? -5 और -3। चौथा देखिए बिंदु यस का एक्स निर्देशांक और वाई क्या है? और यस के निर्देशांक लिए यस कहाँ है? 3 और -2। 3 और -2, वेरी गुड। 3 और -2, यस के निर्देशांक 3, वाई के निर्देशांक -2। आया? यस मैम। कौन बोला नहीं समझ में आया? नहीं आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोग को बताना है कि चतुर्थांश में स्थित है और आना है और उसको बताना, लगाना है और लिखना है। आओ यांशी, आओ चलो। निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है? -3, -7। चलो बनाओ। -3, -7। -3, -7। एक मिनट जरा इसको ये मिटा दो पूरा, ये दे लो, यहाँ साइड में मिटाओ पूरा, वो नहीं एक्स वाला नहीं मिटाना, ये पूरा मिटाओ, ये जो लिखा हुआ है सारा। चलो अब यहाँ पर लिखो, हाँ -3 यहाँ लिखो पहले, -3, -7 पुस्तक लगा के, -3, -7। अब ये इसको दिखाना है इसको, अब देखो ये दिखा रही है, बताना सही दिखा रही है कि नहीं। यक्ष का मान कितना है? -3। वाई का मान कितना है? -7। इस चतुर्थांश में होगा, तृतीय में होगा। अब इसको लगाओ बनाओ। -3 और -7। ठीक है, उस बिंदु को पॉइंटेड करो, ए नाम दो उसका, वहाँ वहीं पे लिखो -3, -7। -3, -7 नहीं, ए हटा दो, एक ही जगह पे लिख दो -3, -7। अब लिखो -3, -7। उसको जोड़ो कायदे से, बिंदु बिंदु वहाँ पे, यहाँ बिंदु बनाओ पूरा, बस हाँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसने देखो -3, -7 दिखाया, सही है? यस मैम। कैमरे की तरफ देखिए, बताओ नाम, बताओ, क्लैपिंग करो उसके लिए। यांशी पांडे।
हाँ माइनस पाँच और सात सात इंदिरा पानी क्या हाँ चलो दूसरी लड़की को बुला सही बनाइए yes, वेरी गुड क्लैपिंग करो भाई के लिए x की वैल्यू क्या है 2 तो 2 को आपको आगे बढ़ाना है और यहाँ पर नीचे जो है y पे कहाँ तक ले जाना है माइनस दस तक इस पॉइंट पे नाम लिखो 2 माइनस दस सही बनाया इसने yes, चलो वेरी गुड बेटा क्या नाम है आपका प्रज्ञा कुशवाहा क्लैपिंग कर दो इसके लिए जल्दी करो मैम है क्या नो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू धनात्मक है पाँच और नौ स्केल से बनाना है एग्जाम में हाथ से मत बना देना ठीक है समझ रहे हो बात को ना स्केल से ही सब करना है पाँच और नौ सही बनाया है क्या नाम है आकांक्षा कुशवाहा लेकर आप करो भाई बताओ किस उसमें होगा एक्स की वैल्यू माइनस में है और वाई की वैल्यू प्लस में है कहाँ होगा किस चतुर्थांश में होगा माइनस छह एक्स की वैल्यू माइनस में है किस वाले में बनाओ जरा देखिए कहाँ बना रही हो
सबको बन जाएगा मेरे ख्याल से। तो ये देखो इसके बाद जो है ग्राफ पेपर पे और दिखाने के लिए चौथे नंबर का क्वेश्चन, ये होमवर्क है आपका। कल सब लोग ग्राफ पेपर पे बना के लेके आएंगे।